नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए अब केपी एक्सप्रेस कर्नाटका की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। राज्य ने 14,950 नए कोविड 19 मामले दर्ज किए। थिएटर, जिम, योग केंद्रों को पूरी क्षमता से काम करने की अनुमति। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने आधिकारिक समारोह में अम्बेडकर की तस्वीर लगाने का संकल्प किया। बेंगलुरु में वायु प्रदूषण में परिवहन और सड़क की धूल का सबसे बड़ा योगदान अध्ययन में बताया गया। कर्नाटका के कबीर इब्राहिम सुतार का 82 साल की उम्र में हुआ निधन। छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर रोक लगाया गया, सिद्धरामैया ने कहा। सरकार के चावल किलेबंदी कदम का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, रिपोर्ट में बताया गया। शिक्षा प्रणाली के तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देंगे, हिजाब विवाद पर कर्नाटका भाजपा प्रमुख कटिल ने कहा। महिला उद्यमियों के उत्पादों के लिए अमेजॉन कर्नाटका स्याही समझौता किया। स्कूल के नियमों का पालन करना छात्रों का धर्म, कटिल ने बताया। हिजाब विवाद पर अब कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। रमेश जारकीहोली मामले में एसआईटी ने दाखिल की बी रिपोर्ट। कर्नाटका सरकार प्राथमिकी कृषि सहकारी समितियों को डिजिटाइज करने की तैयारी। डीके शिवकुमार के घर जाना अनावश्यक था, कहा आनंद सिंह ने। सिद्धरामैया ने हिजाब मामले में पूछा कौन है वो रघुपति भट्ट। नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं से तमिलनाडु को अधिक लाभ होगा, सिद्धरामैया ने बताया। हिजाब विवाद, भगवा शॉल में छात्रों ने निकाला जुलूस। पाषाण शिलालेख, कदंब वंश की सिंह मूर्ति मिली। उड़पी के बाद कर्नाटका के और कॉलेजों में हिजाब पहनने वाले छात्रों के लिए बंद। कर्नाटका हिजाब विवाद पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, भारत की बेटियों का भविष्य लूटने का आरोप। कर्नाटक सिनेमाघरों, जिमों, पुलों में 100% अधिभोग की अनुमति देता है। केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।